फाइनली इधर ओनर ने टेन अपना टेन लाइट लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन एक लॉन्च कर दिया जो कि ऑनर 10 लाइट है। दोस्तों आज मैं आपको इसके राज बताऊंगा, राज नहीं, आज इसका मैं रिव्यू करूंगा, आज मैं इसका आपको सारे फीचर बताऊंगा ए टू जेड। तो वीडियो को एंड तक देखना, हो सके वीडियो को लाइक कर दे और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दे क्योंकि डेली की ऐसी वीडियो आपके पास लाता रहता हूं। तो चलिए आज का आपका टाइम वेस्ट नहीं करो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं बात करूं इस ऑनर के टेल लाइट के बारे में, तो ये दो दिन हो गए इन्होंने ये लॉन्च करा है और दोस्तों काफी लोगों ने इसको खरीद भी कर लिया है। तो जिन्होंने खरीद कर लिया ये वीडियो एंड तक देखिए, बता दूं आपको इसका राज। और दोस्तों चलिए तो आज की मैं इस वीडियो में आपको बता दूं। दोस्तों अभी मैं बात करूं इसके बैक लुक की, तो लुक इसका ऐसा मेरे को जो कि लुक इसका बहुत ही अच्छा लगा है। तो बात करो बैक कैमरास की, तो दोस्तों इसमें आपको ड्यूल सेटअप कैमरा मिल जाएगा, एक मिल जाएगा 13 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का एलईडी फ्लैश और फिंगरप्रिंट सेंसर और नीचे हुआवे की मैजिक, ऑनर की मैजिक। तो दोस्तों अभी जो इसका बैक लुक है बहुत ही शाइनिंग लुक प्रोवाइड कर रहा है और बहुत ही अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहा है। बात करें फिंगर और बात करें सॉरी फ्रंट साइड की, तो फ्रंट साइड में आपको एक नॉच देखने को मिलेगी जो कि है वाटर ड्रॉप नॉच, एक बहुत ही खूबसूरत नॉच है जिसमें आपको 24 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा और जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करो इसकी जो कि इसके LCD डिस्प्ले की, तो इसमें आपको आपको मिल जाएगा 6.21 इंच का स्क्रीन टू बॉडी रेशो डिस्प्ले जो कि एक बहुत ही अच्छी, तीन वेरिएंट देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा आपको 4GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला, 6GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला, 6GB RAM 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला। अब बात करता हूँ इसके जो कि लुक की, तो लुक तो डिजाइन बहुत ही एक खूबसूरत है। और बात करूं अब इसकी बैटरी की, तो इसमें 3400 mAh की एक बड़ी बैटरी दी गई है। बात करूं इसके एंड्रॉइड की, तो एंड्रॉइड पाई होने वाला है और इसके इसमें आपको किरण का जो कि प्रोसेसर मिलेगा वो एक मिलेगा 710 का इसका प्रोसेसर मिलेगा जो कि ऑप्टो कोर है, बहुत ही अच्छी बात है। और अब बात करिए इसके मेन हेडलाइट की प्राइसिंग की, तो दोस्तों इसकी जो कि पाकिस्तान में प्राइस रखी गई है वो 38,999 rupees रखी गई है, समझे ऐसे 39,000 इसकी पाकिस्तान में प्राइस रखी गई है। ये बहुत ही एक अच्छी प्राइस, मेरे को भी बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ओनर ने इतनी प्राइस रखी इस स्मार्टफोन की। तो दोस्तों अब इसका मैं जो कि मेरे को जो कि इसकी बहुत ही एक अच्छी बात लगी इसका लुक और डिज़ाइन। दोस्तों डिज़ाइन इतना खूबसूरत है, लुक भी बहुत ही इतना खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों अभी मैं इसके आपको कलर्स बताऊँ जो कि पाकिस्तान में अभी अवेलेबल है, वो एक ब्लैक है, वाइट है और रेड, और आपको ब्लू भी देखने को मिलेगा। ये चारों कलर आपके पास इधर पाकिस्तान में अवेलेबल के लिए इतना ही था। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिएगा, हो सके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि डेली की ऐसी वीडियोस आपके पास लाते हैं। फिलहाल के इतना ही, दूसरी वीडियो मिलेंगे, आज के लिए बस, अल्लाह हाफिज़।